इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। ई रिक्शा चालक अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन व आरटीओ विभाग से लंबे समय से मांग कर रहा है, बावजूद उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसे आहत होकर इंदौर के लगभग 7000 ई रिक्शा चालकों द्वारा इंदौर के चिमनबाग मैदान पर पहुंचकर ई रिक्शा ऑटो जमा कर 3 दिवसीय हड़ताल शुरू की गई। हालांकि इस हड़ताल से यात्रियों को परेशानी जरूर होगी। वहीं इंदौर रिक्शा महासंघ अध्यक्ष ने कहा कि यदि उनकी मांगों को प्रशासन नहीं मानता है तो आने वाले दिनों में वह कोर्ट की शरण भी लेंगे। उन्होंने कहा कि मोटर एक्ट नियम के तहत बैटरी रिक्शा को रूट नहीं दिया जाता है, लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश पर आरटीओ विभाग ने इंदौर ई रिक्शा के 23 नए रूट बनाए हैं, जिससे नाराज ई रिक्शा चालक आज से 3 दिवसीय काम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा नए ई रिक्शा वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी है। ई रिक्शा हड़ताल हमने इसलिए करी रूट को लेकर, सबसे पहली बात तो हमको रूट नहीं चाहिए। जब सरकार ने हमको गाड़ी बेची, हमने ली, तो उस समय ऐसी कोई मांग नहीं रखी थी। राजवाड़ा नो विकल्प जोन बोल रहे हैं, तो सिटी बस के लिए जगह है राजवाड़े पे, ई रिक्शा के लिए जगह नहीं है राजवाड़े पे। हमसे जब तक के कोई बड़ा अफसर बात करने नहीं आता, तब तक के हम हड़ताल पे बैठे हैं। ये जो ई रिक्शा की हड़ताल की गई है, ये हमारे हक के लिए की गई है, और जो सरकार ने रूट तय कर रही है, आज के समय में इतनी गाड़ियां हो गई हैं ई रिक्शा कि एक रूट पे अगर मान लो 300 गाड़ियां भी आ गई है तो सामने वाला का नंबर आने में बहुत काफ़ी समय लगेगा, और उसको वो किस्त कैसे भर पाएगा। उसके बावजूद यहाँ रोड पे चलते हैं तो सीएनजी वाले, मैजिक वाले, वैन वाले सब हमको परेशान करते हैं, और स्टैंड पे खड़े नहीं होने देते, कहीं भी नहीं खड़े होने देते। उसके बावजूद भी प्रशासन भी हमको परेशान करता है, गाड़ी हटाओ, भगाओ, हटाओ यहाँ से। तो सीएनजी वाले को कोई मना नहीं करता। ये सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार खोला कि आप ई रिक्शा उठाइए और आपका रोजगार लीजिए। ये सरकार की योजना थी, पीएम जी की, मोदी जी की योजना थी, है ये उन्होंने अपने को योजना दी, हमने कैसे भी करके हमने पैसे भर के गाड़ी उठी। अब गाड़ी उठाने के बाद में ये ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये करो तो कहाँ से किस्त भरेगा आदमी। अगर आपसे कोई अधिकारी मिलने नहीं आता है तो क्या? आपसे अधिकारी मिलने नहीं आता है तो हम जितने भी ई रिक्शा वाले हैं, हम हमारे ये पूरी गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेगी और हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। नुकसान वैसे भी तो मर ही रहे हैं, हमने फाइनेंस करके गाड़ी उठवाई है, ये फाइनेंस कहाँ से भरेंगे? किसी की तरफ से जाए, किसी की भाग आ जाएगी, किस्ते फाइनेंस करके कहाँ से भरेंगे? कहाँ से भरेंगे हम ये चीज? हम कहीं से भी नहीं भर पाएंगे, तो उससे अच्छा कि मरना पसंद है। पहली बात तो ये रिक्शा हड़ताल हमने हमारे हक के लिए करी गई है। मैजिक वाले आते हैं, दारू पी के हम लोगों का अत्याचार करते हैं, हमको सवारी नहीं भरने देते। सीएनजी वाले भी और बस ड्राइवर उन 5-5 रुपए में सवारी भर के ले आते, जिसमें से हमारी हक की लड़ाई है। हम 5-5 रुपए में भी भर के ले आते हैं, लेकिन हमको रूट तय करने का बोल रहे हैं। तो पहले जब हमने किस्त भर के बड़ी मजबूरी से 40-50 हजार रुपए जमा करके गाड़ी खरीदते, अब किस्त भर रहे 6-6 हजार रुपए की, अब रूट तय कर देंगे तो हम कहाँ से भरेंगे? एक तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऊपर से हमारे सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत करते, ऊपर से बस वाले, मैजिक वाले हमको हटा देते और सीएनजी वाले हटा देते, बैठने नहीं देते, सवारी भरने नहीं देते, तो कहाँ से आएंगे हम लोग? जब सरकार ने कोई निर्णय नहीं आएगा तो भूखंड करेंगे, जो लगेगा सही करेगा, हमारे हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे और खड़े रहेंगे सही भाइयों। देखिए, यातायात सुधारने के नाम पे इंदौर में 7000 ऑटो को 23 रूटों में परिवहन विभाग ने विभक्त किया है, तो हम ये मांग करते हैं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार हम पूरे इंदौर में चलेंगे। ये आज से हड़ताल चालू हुई, जब तक जिला प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग हमसे बात करने नहीं आते, जब तक हम ये हड़ताल जारी रखेंगे।